नमस्कार दोस्तों, इंदु के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है श्री केदारनाथ की। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 2013 की केदारनाथ आपदा से जुड़ी हुई है। उस हादसे के बाद यूपी के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और इस घटना के बारे में जिन जिन लोगों को पता चला वह लोग बिल्कुल फौचक्के रह गए। लोगों ने कहा इस जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यह घटना आज आपके भी रोंटे खड़े कर देने वाली है और आप लोगों को भी भरोसा हो जाएगा। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यूपी में प्रतापगढ़ के एक गांव में जयप्रकाश शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे और उनका परिवार महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी एक पत्नी और उनका एक साल का बच्चा था एक, जो जयप्रकाश शर्मा और उनकी बीबी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। बात है 2013 की, तो इस बार जयप्रकाश ने सोचा था कि जब भी केदारनाथ खुलेगा तो केदारनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि जयप्रकाश शर्मा की पत्नी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनके दर्शन के लिए जिद करने लगी। जयप्रकाश शर्मा ने पहले अपनी पत्नी को थोड़ा समझाया कि वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जा सकते, लेकिन जयप्रकाश शर्मा की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर महादेव चाहेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और हम उनके दर्शन भी कर लेंगे। तो जयप्रकाश शर्मा भी तैयार हो गए। अब बात आ रही थी छोटा सा बच्चा एक साल के, जो अभी छोटा था, उसको साथ ले जाने में मतलब काफ़ी समस्या आने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा चढ़ाई चलनी होती है। लेकिन उनके घर में उन तीन सदस्यों के अलावा और कोई नहीं था। उनके लिए कोई विकल्प भी नहीं था कि वह अपने बेटे को छोड़कर जा पाए। इसीलिए उन लोगों ने फैसला लिया कि वह तीनों लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। और यही कोई जून का महीना था, जून के महीने में वह लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ से बस पकड़ी और लगभग एक रात का पूरा समय तय करते हुए दूसरे दिन वह लोग केदारनाथ पहुँच गए। अब जब सब केदारनाथ पहुँचे तो देखा वहाँ का मौसम खराब है। जून का महीना तो चल ही रहा था तो काफ़ी बारिश हो रही थी। सभी लोग सोच रहे थे कि बारिश का मौसम है तो बारिश चल ही रही है, कोई बात नहीं। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी कि वह एक सामान्य बारिश नहीं थी, वहाँ पर भयंकर तूफान भी आ रहा था। तूफान के साथ बारिश भी हो रही थी। यह बात है 15 जून की रात को। जयप्रकाश शर्मा और उसके परिवार ने महादेव के दर्शन कर लिए और वह लोग अपनी धर्मशाला में रुके हुए थे और वहाँ पर धर्मशाला में उन्होंने अपने बच्चे को खिला पिला कर सुला दिया और शाम के समय वह दोनों आसपास घूमने के लिए निकल गए थे। और उसके बाद जब शाम को बाहर गए तो शाम का माहौल वहाँ पर कुछ अलग ही था। भयंकर तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, उधर बादल कड़क रहे थे, तो यह सब देखकर उनको थोड़ा सा डर तो लग रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि यह पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर ऐसे ही मौसम होते होंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर रह रहे सभी लोग के उड़ गए चेहरे। भयंकर आवाज में मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई केदारनाथ की तरफ आने लगी, क्योंकि जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी बाहर थी तो थोड़ा उनको पहले से ही अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर अब कुछ बुरा होने वाला है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ की तरफ आ रही थी तो जयप्रकाश की पत्नी टूरिस्ट धर्मशाला की तरफ भागी, लेकिन वहाँ पर इतनी भगदड़ मच गई कि कोई समझ नहीं पा रहा था
कि क्या करें। जयप्रकाश ने सोचा, वह धर्मशाला में अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वह धर्मशाला केदारनाथ के पास ही था, और अगर जब तक वह अपने बच्चे को बचाने के लिए जाएंगे तब तक धर्मशाला भी नदी की चपेट में आ चुकी होगी। तभी जयप्रकाश शर्मा ने अपनी पत्नी को पकड़ा और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वह ऊपर पहाड़ की तरफ भागे, ताकि वह वहां अपने आप को सुरक्षित कर सके। पहाड़ के ऊपर जाकर जयप्रकाश शर्मा देखते रह गए, हाथ पर हाथ धर के ही बैठे रह गए, और वहां वह कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंखों के सामने धर्मशालाएं गिर गिर कर बह रही थी, लोग बह रहे थे, और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उनमें से उनका बच्चा भी कहीं खो गया था। उनकी पत्नी बहुत रोई, लगातार रोती रही, क्योंकि उनका बस एक ही बेटा था। वे लोग वहां पर बिना खाए पिए वहीं पहाड़ पर बैठे रहे, और कुछ लोग और भी वहां पर थे। उनके पास ना तो कुछ खाने को था, ना भी पीने को था। जब 2-3 दिन बाद भारत सरकार की रेस्क्यू टीम वहां आई, तब वहां के लोग अपने अपने घरों में जा पाए। अपने घर जाने के बाद जयप्रकाश शर्मा की पत्नी जो है ना, काफी बीमार सी रहने लगी। वह सिर्फ बैठी रहती थी और हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। धीरे धीरे बच्चे के बारे में सोचते हुए ना कुछ खाती थी, ना ही कुछ पीती थी। जयप्रकाश शर्मा भी इस स्थिति से काफी मुश्किल से निकल पाए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि कुछ भी सही नहीं हुआ। उनकी पत्नी की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। वह ना तो ज्यादा किसी से बात करती और ना ही ज्यादा कुछ खाती। थोड़ा बहुत जो भी खा लेती थी उनकी पत्नी वैसी की वैसी ही थी। लगभग 8 साल होते ही बीत गए। एक बार जयप्रकाश शर्मा के गांव में एक साधु आए थे, और वह साधु गांव में घूमते घूमते जयप्रकाश शर्मा के घर भी पहुंचे। उसके बाद जयप्रकाश शर्मा ने उनकी बहुत आवाभगत की, उन्हें कुछ खाना पानी दिया, भिक्षा दी। साधु उनकी सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ और बोले, तुम्हारी समस्या जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर जाने के बाद तुम्हें इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, तो तुम्हें एक बार फिर से केदारनाथ जाना चाहिए। साधु की बात सुनकर जयप्रकाश शर्मा की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने बोला कि यह सब आपको कैसे पता? हमारे साथ केदारनाथ में ऐसा कुछ हुआ था। तो साधु ने बोला कि मुझे सब पता है, तुम लोग महादेव के ऊपर भरोसा करो और फिर से एक बार केदारनाथ दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। तभी जयप्रकाश शर्मा अपनी पत्नी को केदारनाथ जाने के लिए कहने लगी, लेकिन उनकी पत्नी जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनकी पत्नी ने बोला कि महादेव ने मेरे बच्चे को छीन लिया है, तो कैसे मैं फिर वहीं चली जाऊं? लेकिन काफ़ी मनाने के बाद, काफ़ी कुछ बोलने के बाद, और वह दोनों फिर से केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वह दोनों केदारनाथ जब पहुंच गए, केदारनाथ पहुंचने के बाद, दर्शन करने के बाद, एक शाम को जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी केदारनाथ के मंदिर में बाहर ही बैठे हुए थे। कहीं एक जगह थी वहीं पर, तो जयप्रकाश शर्मा बोलते हैं कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और उनकी पत्नी वहीं पर मायूस होकर गुमसुम सी बैठ जाती है। तभी वहाँ पर 10 साल का एक लड़का आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। वह लड़का जयप्रकाश शर्मा की पत्नी से बोला, क्या आप यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आ रही हो? तो उनकी पत्नी बोलती है, हाँ मैं वहीं से आ रही हूँ।
तुम्हें कैसे पता? फिर से बोलता है कि क्या आपके पिता का नाम जयप्रकाश शर्मा है? उसने बोला, हाँ मेरे पति का नाम जयप्रकाश शर्मा है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? जयप्रकाश शर्मा की पत्नी के पूछने के बाद वह कहता है, मेरा नाम आयुष है। आयुष उसके 7 साल के बेटे का नाम होता है जिसकी आपदा में मौत हो चुकी होती है। तो जयप्रकाश शर्मा की पत्नी पूछती है, आपका बेटा आयुष कौन है? मैं आपका बेटा हूँ। मैं यही नदी में बह गया था। उसके बाद जयप्रकाश शर्मा की पत्नी परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि कोई उन्हें परेशान करने के लिए आया है। तो जयप्रकाश शर्मा की पत्नी जयप्रकाश शर्मा को बुलाती है और कहती है, देखो ना मुझसे कैसी फालतू की बातें कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। जयप्रकाश शर्मा बोले कि कौन हो बेटा, तो क्या बोल रहे हो? लड़का बोला, 2013 में उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 7 साल का हुआ तभी मेरे माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से मैं यही 2013 में उत्तराखंड में ही हूँ और तब मैं केदारनाथ के पास ही एक साधु के पास रहता हूँ और उनके साथ रहता हूँ। तब उन लोगों ने उस लड़के से काफ़ी देर बात की। उस लड़के ने बिल्कुल वही चीज़ बताई जो आयुष करता था। जहाँ आयुष रहता था, आयुष जो करता था, यह सब सुनकर जयप्रकाश शर्मा सोच में पड़ गए। यह कैसे संभव हो सकता है कि क्या मेरा बेटा फिर से जन्म लेकर यहाँ पर मुझे मिल चुका है? उसके बाद वह तीनों उन साधु के पास जाते हैं जिनके पास वह लड़का रह रहा होता। तब जयप्रकाश शर्मा उन साधु बाबा से पूछते हैं कि यह सब क्या है? बाबा, तो वह साधु बोलते हैं कि महादेव ने आपके बेटे को छीना था ना, क्योंकि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव की पूजा करते थे, तो इसीलिए उन्होंने आपके बेटे को फिर से लौटा दिया है। यह आपका ही बेटा है और आपका इसका पुनर्जन्म हुआ है। सारी बातें सुनकर जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी मानो उनकी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। वह बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन दोनों ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और उसके बाद साधु बाबा से इजाज़त ली कि क्या आप आयुष को अपने घर ले जा सकता हूँ मैं? साधु बाबा ने उसके बाद उनको इजाज़त दे दी और कहा, यह तो आपका ही बच्चा है, महादेव ने इसको वापस करने के लिए बोला है, तो आप इसको ले जाइए। इसके बाद जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी आयुष को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जयप्रकाश शर्मा की पत्नी भी दिन बदन बेहतर होती चली जाती है और पहले की तरह जैसे ठीक हो जाती है। दोस्तों, क्या आप लोगों के पास भी ऐसी कोई घटना हुई है तो ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।